तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम पावर बीआई डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लासेस में हमने पावर बीआई में एक छोटा सा डैशबोर्ड बनाया था, आप लोग बताया था। आज जो है हम बात करने जा रहे हैं पावर बीआई में डेटा कनेक्शन फ्रॉम द वेबसाइट एंड बाकी जो हमारे विजुलाइजेशन टूल्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग की परमिशन आप लोगों को दे दी है, आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहा हूं। हमारे साथ अजय जी, अंकित जी, अमित्याज जी है, सारा जी आए थे, पता नहीं क्यों नहीं वो वापस चले गए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज एक वेबसाइट से, एक वेब पेज से कैसे डेटा लेके आ सकते हैं। तो मेरे पास एक वेबसाइट का लिस्ट है, मैं आपको दिखा रहा हूं। एक वेबसाइट का लिस्ट ये है हमारा एनएससी इंडिया से, और दूसरा हमारे पास एक ए और भी है financialtracks.com से। तो मुझे इस डेटा को अपने पावर बीआई में लेके जाना है, तो मैं इस लिंक को यहां से कॉपी करता हूं और वापस हम पावर बीआई में आते हैं, गेट डेटा पे आते हैं, मोर पे जाते हैं। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा स्लो है। यहां पे हम अदर पे आते हैं, वेब एंड कनेक्ट पे करते हैं। तो वेबसाइट से डेटा को लेना चाहते हैं तो अदर पे क्लिक कीजिएगा और फिर इसको हमने डाला एंड ओके। अभी क्या करेगा, इस पेज पे जो भी टेबल है टेबल को देखेगा। अब इसमें देखिए कोई लॉगिंग वगैरह होगा, क्योंकि तो लॉगिंग वगैरह यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है एनीवन है विंडोज के जरिए, आप विंडोज लॉगिन लेके चल सकते हैं, या बेसिक कोई यूजर नेम एंड पासवर्ड है, या कोई वेब एपीआई है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट है, तो यहाँ सब साइन इन कर सकते हैं। बट ये एनीवन है, मतलब कि कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, तो इसको क्लिक कर लीजिए। थोड़ा सा स्लो है वो, आपकी ये इंटरनेट को पूरा वो वेब पेज को डाउनलोड करके और उसके बाद उसमें से जितने भी टेबल्स है वो सारे टेबल्स को अलग करता है। अब यहां पे वो सारे टेबल्स का लिस्ट दे देगा। आ गया। तो यहां पे देखिए टेबल वन, टेबल वन में आपका ये डेटा दिख रहा है, टेबल टू, टेबल थ्री। तो जितने भी पेज में टेबल जो टेबल रिकॉग्नाइज थे वो सारा यहां पे आपको आ गया है, जो भी टेबल यहां पे रिकॉग्नाइज थे वो सारा आ गया यहां पे। तो हमारा यहां से ना डिवाइस लैब से करना है, नहीं है ये, आई थिंक टेबल वन में ही था। नहीं तो वोडाफोन कंपनी हो रहा है टेबल वन, ओ सॉरी ये पेज टू है ना, यहाँ पे पेज वन पे होगा, पेज वन से चलता है ना वो। हाँ यहां से लिया इसमें, इसको हम क्लिक करते हैं और यहां से कनेक्ट करते हैं, लोड करते हैं। लोड करते ही डेटा आपके इसमें आ जाएगा। तो एक तो ही तरीका हुआ आपको डेटा लोड करने का, क्या सर? लेकिन कभी कभी क्या है कि हमारे पास एक डाउनलोडिंग फाइल होती है, जैसे इसको देख लीजिए सीएसपी फाइल यहां से डाउनलोड हो रहा है, तो ये फाइल मुझे हर बार डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने सीएसपी फाइल को डाउनलोड किया है। मैं चाहता हूं कि ये इसी से लिंक हो जाए, ये जो दिख रहा है आपको ये इसी से लिंक हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इसकी पाथ को जो पाथ, हाँ इसकी जो पाथ है, सॉरी
मैं हटा दिया, इसकी पास को कर रहा हूं मैं। तो दो तरीके मैंने बताया, एक तो है कि जो पेज पे जो डेटा है उससे ले सकते हैं, दूसरा है कि अगर कोई पास से कोई डाउनलोड हो रहा है तो उस पास को आप यहां से कॉपी करें और यहां चले आए सी एस पी रहेगा ना, ब्लैंक यहां टेक्स्ट सी एस पी को सिलेक्ट किया और यहां से हमने कनेक्ट कर दिया, पाथ को पेस्ट किया एंड ओपन। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, एमएस इंडिया को कनेक्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता ही है। अच्छा, इसकी हम वेब पेज पे डाल दें तो ये हमारे सारे लिस्ट यहां पे आ गए, दिख रहा होगा आपको। मैं यहां अदर देर कनेक्ट, ये जो डाउनलोडिंग हो रहा है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रहा है तो वो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। ये जो आपने एनएसए इंडिया से डाउनलोड किया है तो ये जावास्क्रिप्ट से हो रहा है सर, तो ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। कि मैं पास डालता हूं और सी करता हूं, एनएसए इंडिया से कनेक्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत होता ही है। एमएस इंडिया से सर दिक्कत होता ही है, इसलिए हमने आपको ये फाइनेंशियल वाली जो सर्विसेज थी हमारी financialexpress.com यहां से बताया हमने आपको। देखिए यहां दिक्कत हो गया ना, चलिए इसको कैंसिल करते हैं। अब यहां पे हमारे सामने टेबल वन जो डेटा हमारा फाइनेंशियल एक्सप्रेस की वेबसाइट वेब पेज पे था वो वेब पेज का डेटा यहां पे आ गया हुआ है। अब एक बार अपने हिसाब से डेटा को देखें, अगर यहां पे कोई ऐसी चेंजिंग आपको दिखती है तो यहां पे चेंजिंग कर सकते हैं। अब इसमें यहां पे अगर हम बात करें तो अगर यहां पे दो चीजें हैं, टेबल फॉर्मेट है तो टेबल फॉर्मेट में अगर डेटा देखना चाहते हैं तो आप यहां पे कंपनी नेम डाल दीजिए और यहां पे आप डाल दीजिए बिट क्वांटिटी, आपके सामने रिकॉर्ड दिख रहा है। तो ये चीज आप यहां से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको अब थोड़ा सा बड़ा है तो मैं लाइन चार्ट में इसको दिखाना चाहूंगा, तो मैं कंपनी को यहां पे डालता हूं और यहां हम अब मुझे ये देखना है कि चेंज कितना हो रहा है, तो चेंज को मैंने यहां पे डाल दिया। तो जनरली सारा जीरो के अकॉर्डिंग ही चेंज हुआ है तो ये आ रहा है। अगर हम चेंज परसेंटेज की बात करें तो थोड़ा सा डाउन हुआ है, तो इस तरह से देख सकते हैं आप। तो कंपनी ने हटा दिया था, ये आपका एलटीपी है जिसका आप यहां से रिकॉर्ड देख पा रहे हैं।
लाइन चार्ट हमने यहाँ पे डाला हुआ। अब यहाँ पे लाइन चार्ट में डालने के बाद अब इसे दो आपको लाइन डालना है, मैं देखना चाहता हूँ इसमें प्रीवियस क्लोज भी देखना चाहता हूँ, तो मैं प्रीवियस क्लोज को कर दिया यहाँ पे डाल दिया, तो दो लाइनिंग है। अब ये क्या है कि दोनों लाइनिंग जो है सेम में है, मतलब कि इसकी जो वैल्यू आप देख रहे हैं अब यहाँ दोनों सेम है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि एक ही लाइन पे वर्क कर रहा है, नहीं अलग अलग लाइन है दोनों। ओके अब ये यहाँ पे अब अपने एक्सिस है, ये आपका लेजेंड है। अब यहाँ पे लेजेंड में मान लीजिए मैं वॉल्यूम डाल देता हूं, नहीं इसमें लेजेंड वर्क नहीं करता है। उसके अलावा ये फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग में आप जो प्रीवियस जितने भी चार्ट से फॉर्मेटिंग किए थे सारा फॉर्मेटिंग सेम है। यहाँ पे एक्सिस वाई एक्सिस ऑन कर सकते हैं, हटा सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट राइट और यहाँ पे दे सकते हैं क्या होना चाहिए, एक्सिस यूनिट डिस्प्ले क्या होना चाहिए। उसी तरह से आपका डेटा कलर है, डेटा का कलर जैसे कि ब्लू को मैं चाहता हूँ रेड कर देना, तो मैं यहाँ से इसको रेड कर देता हूँ, सिलेक्ट हुआ रेड, तो एक रेड लाइन होगी। और शो ऑल पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे शो ऑल होता है, शो ऑल पे जितने भी और कलर है वो सारे कलर यहाँ शो कर रहे हैं। जैसे किसी कंपनी का कलर चेंज करना है ना आपको, सभी फॉर्म का कलर चेंज करना है, इसको मुझे ब्लैक करना है, तो उस एरिया पे मेरे कलर जो है ब्लैक हो जाएगा ब्लू की जगह। मैं इसको हटा देता हूँ, उसके बाद डेटा लेबल है, इस पर डेटा लेबल डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से डेटा लेबल डाल सकते हैं, डेटा लेबल की अपनी एक फॉर्मेटिंग है वो कर सकते हैं। ये फॉर्मेटिंग वही है जो आपने इससे पहले की क्लासेस में फॉर्मेटिंग के बारे में जाना था, इसमें कोई चेंज नहीं है। एनालिटिक्स में बात करें तो एनालिटिक्स में एक हमारे पास मिड लाइन है जो कि हम ऐड कर सकते हैं, कलर में हटा देता हूँ, ऐसा कलर में डाल देता हूँ ब्लैक, एक मिड लाइन यहाँ पे देखिए ऐड हो गई। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम लाइन है, एवरेज लाइन है, आप यहाँ से एवरेज लाइन ऐड कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे नीचे एक एवरेज लाइन ऐड हो गया। इस तरह की लाइनें आप ऐड कर सकते हैं एनालिटिक्स में। उसी में अब एरिया चार्ट की हम बात करें, इसी को हम एरिया चार्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आपका नीचे का जो एरिया है वो भी एरिया कलर हो जाएगा। एरिया चार्ट और लाइन चार्ट में यही अंतर होता है, तो आपका एरिया चार्ट यहां दिख रहा है। उसके बाद यहां पे आप देखते हैं, एक पे आपका एरिया चार्ट, एक आपका था एक्सट्रैक्ट एरिया चार्ट होता है। अब एक्सट्रैक्ट एरिया चार्ट में करते हैं तो इसमें देखिए दोनों में फर्क क्या है, ये आपका दोनों सिमिलर दिख रहा है ना, अगर मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो दोनों थोड़ा सा अलग अलग दिखने लगे, तो ये दोनों के कंपेयरिंग हमारे हिसाब से थोड़ा सा अच्छा हो गया है, इसका यूज कर सकते हो। अब बात कर और इसकी भी अगर हम फॉर्मेटिंग की बात करें तो इसकी फॉर्मेटिंग बाकी जो फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग है, जो फॉर्मेटिंग आप देख रहे हैं इसमें कोई खास चेंज नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें विजुलाइजेशन में अपना लाइन स्टैक कॉलम चार्ट का, तो जैसे दो कॉलमों का मिक्सअप होता है वो यहां आप कर सकते हैं, दो कॉलमों का मिक्सअप मतलब कि दो लाइन आपने यहां पे डाल रखी है तो एक को क्या कर देगा वो, ये देखिए एक को कर, इसमें दोनों को ये डाल दिया हुआ है, अब स्टैक इसमें आना पड़ेगा। अब यहां पे देखिए आपका कॉलम सीरीज आपको दिख रहा है और यहाँ पे आपका कॉलम वैल्यू दिख रहा है और यहाँ पे लाइन वैल्यू, तो मैंने प्रीवियस क्लोज क्लोज को उठाया और यहाँ लाइन वैल्यू में डाल दिया ताकि वो लाइन बने। तो यहाँ पे आपको किसको लाइन में कन्वर्ट करना है, किसको कॉलम में कन्वर्ट रखना है, वो चीज आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे कॉलम सीरीज है, कॉलम वैल्यू है, लाइन वैल्यू है, और लाइन का सीरीज क्योंकि ये जो नीचे जो सीरीज होता है किसी एक का ही होगा, इसलिए सीरीज लाइन नहीं हो सकता, कॉलम नहीं हो सकता। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने एक और आता है लाइन कर्सर्ड कॉलम। लाइन कर्सर्ड कॉलम में यहाँ पे आप
जैसे मान लीजिए कि मैंने प्रीवियस क्लोज को हटा दिया, और प्रीवियस क्लोज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और एलपी के दोनों को हटाता हूँ, दोनों को हटा दिया। अब मैं यहाँ पे चेंज को लेता हूँ, चेंज को कॉलम वैल्यू में डाल दिया, हालांकि जीरो है, और यहाँ पे चेंज परसेंटेज को मैंने लाइन वैल्यू में डाल दिया। अरे नेगेटिव में, क्योंकि जो चेंज हुआ है सारा नेगेटिव में हुआ है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं सेकेंडरी एक्सिस क्रिएट हो गया, दिख रहा है आपको। तो सेकेंडरी एक्सिस कब क्रिएट होता है, जब आपके पास दो टाइप की वैल्यू होती है, जैसे एक वैल्यू हमारा नंबर में था और दूसरा वैल्यू हमारा परसेंटेज में था, इसलिए यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। तो ये आप इसमें कर सकते हैं। अब इसकी बात करें तो ये होता है रिवन चार्ट, ये आपका एक मिनट, इस पे आपको नहीं दिखेगा, रिवन चार्ट बिट क्वांटिटी पे रखता हूं तो दिखेगा। तो रिवन चार्ट में जो आपका रिवन चार्ट होता है, इस रिवन चार्ट की खासियत क्या होती है, ये आपको सॉर्टेड हो जाता है। आप देख रहे हैं सॉर्टेड हो गया, सबसे हाईएस्ट, लोएस्ट, लोएस्ट, फिर लोएस्ट, फिर लोएस्ट, इस तरह से शॉर्टेड हो गया। इसकी खासियत ये होती है कि आपका ये शॉर्ट हो जाता है रिवन चार्ट में। अब मान लीजिए मैं इसमें एलपी भी डाल देता हूं वैल्यू में, तो देखिए, तो इसमें जब आप दूसरी वैल्यू डालते हैं तो उस एरिया को कवर कर लेता है। बड़ा डेटा है इसमें थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन हो, एक छोटे डेटा पे इसका यूज करके आप देखिएगा। तो अभी आपने सीखा, वो सीखा लाइन चार्ट, तो आपने सीखा एरिया चार्ट, स्टैक एरिया चार्ट, ये आपने कॉम्बो चार्ट सीखा, और ये आपने रिबन चार्ट को सीखा। इसमें कोई कंफ्यूजन है? ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं वाटरफॉल चार्ट। वाटरफॉल चार्ट के लिए मुझे एक अलग से डेटा बनाना पड़ेगा, तो मैं एंटर डेटा पे जाता हूँ, एक छोटा सा डेटा क्रिएट ही कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मंथ और यहाँ पे सेल। तो जैसे कि मैंने बताया था, इसमें हम डेटा भी क्रिएट कर सकते हैं, इसमें इसको डिलीट कर दीजिए। हाँ, तो यहाँ पे जैन फैब मार्च अप्रैल मई जून सर क्रिएट क्रिएट डेटा में एक्सेल से कॉपी पेस्ट भी हो सकता है डेटा? हाँ हो सकता है, बस हेडिंग पहले डिक्लेयर कर लीजिएगा। मैं एक बार कॉपी पेस्ट हेडिंग क्लियर कर दीजिए, मैं इसके बाद कोई पेस्ट बता जाता हूँ आपको। अब इसमें मैं अपना वैल्यू फिगर डाल देता हूं, और इसको लोड कर देता हूं। टेबल के नाम से यहां पे आ गया। अब मैं यहां वाटरफॉल चार्ट को लेता हूं, मंथ को डालता हूं और अपने सेल्स को डालता हूं। तो वाटरफॉल चार्ट में तीन चीजें क्लियर होता है, इंक्रीज, डिक्रीज एंड टोटल, ठीक है। तो जैसे जैसे आपको देख रहा है वाटरफॉल चार्ट बढ़, एक तो टोटल हो गया, और टोटल के बाद सबसे जो हाईएस्ट है सितंबर में है 95, उससे कम जो है 85, उससे कम जो है 65, उससे कम जो है आपका 65 दिसंबर में है, फरवरी में 65 है, जनवरी में, जैसे जैसे कम होता जा रहा है, जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग में यहाँ पे दिख रहा है, ये वाटरफॉल चार्ट दिखाया जाता है। सबसे जो कम होता है ऊपर होता है, और उसके नीचे वो इस तरह से वाटरफॉल की तरह यहाँ पे देते जाता है, समझे सर? हेलो सर, क्लियर है? अब जैसे कि आपने बोला कि डेटा हम क्या कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, तो एक छोटा सा डेटा मैं यहां बनाता हूं, नेम
सिटी और यहाँ पे सेल, पुणे, पूजा, और इसको नीचे के अंदर ब्लैक कर दिया, सिटी में पुणे। और यहाँ पे हमने सेल्स देन बिटवीन सेल्स के लिए डाल देता हूँ। और फिर इसको कॉपी करता हूं और यहां एंटर डेटा में आता हूं, ऊपर कॉलम पे क्लिक करके मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। हो गया सर, हमने कॉलम पे क्लिक किया, कोई पेस्ट कर दिया, और यहां पे अपना नेम, टेबल नेम चेंज कर सकते हैं एंड लोड कर दीजिए। अब मैं एक बार वाटरफॉल चार्ट इस पे बनाना चाहता हूं अपने डेटा का, तो मैंने यहां पे नेम डाल दिया, सेल्स को डाल दिया, आ गया सर, सेम तरीके से बना। अब जो सिटी है इसको मैं ब्रेकडाउन में डालता हूं, तो सिटी को इसने ब्रेकडाउन में डालने के बाद कुछ इस तरह से आपका चार्ट क्रिएट हुआ है। तो इसने अलग अलग कर दिया, जैसे यहां पे सिटी जो है ये आपका ओम आ गया, ये आपका सिटी पटना है, ये आपका सिटी दिल्ली है, तो ओम जो है पटना और दिल्ली दोनों में, ठीक है, ये आपका सूरत, ये आपका आ गया जयपुर, ये आपका आ गया नीरज का टोटल। तो ब्रेकडाउन में जब डालते हैं दूसरे फील्ड को तो आपका डेटा इस तरीके से क्रिएट होता है। तो रेड जो है ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है और जो ये आपका ग्रीन है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। समझ गए, इसके लिए डेटा सही से नहीं हुआ, इसको सही से डेटा होगा तो हम आपको बता देंगे। अब आता है फनल चार्ट की बारी, तो आपका इसी तरह से फनल चार्ट भी वर्क करता है। जैसे कि मैंने यहां पे सिटी ले लिया और हमने इसको यहां मान लिया सेल्स ले लिया, तो फनल चार्ट भी सॉर्टेड फॉर्मेट में आपको यहां दिखा देता है। दिखा दिया सर, सबसे हाईएस्ट जयपुर है, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, और लास्ट तक नागपुर तक आया है। तो फनल चार्ट भी इसी तरह से यूज किया जाता है। सर जो नीचे परसेंटेज आ रहा है ये क्या है? ये परसेंटेज कैलकुलेशन होता है, टोटल ओवरऑल में कैलकुलेट करता है। ये आपका 100% हो गया, ठीक है ना, ये आपका 49 जो वर्ष की 28% हुआ, साइज नहीं समझे, ये जो यहाँ इसकी जो इसकी साइज है सर, ये आपका 100% हुआ और ये आपका सबसे लास्ट वाला जो है 28% का साइज है। इसने 171 का ले लिया, 14 ये 28.7। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, क्लियर सर। तो फ्लोन चार्ट इसके लिए होता है। स्टैक चार्ट जो है ये डॉट डॉट लाइन में आपको बताता है, डॉटेड फॉर्मेट में। लेकिन इसका यूज कब करते हैं, जैसे एक मैप पे या एक एरिया पे बहुत बड़ा डेटा है, उसमें देखना है कि कहाँ कहाँ क्या है, तो इसका यूज हम लोग करते हैं। ये आपको हम आगे क्लास में बताएंगे। बाकी आपके पाई चार्ट पता ही आपको, स्टूडेंट चार्ट भी पता ही है, पाई चार्ट में आपका कंट्रीब्यूशन दे देता है। टोटल चार्ट पाई चार्ट की तरह होता है, बस रिंग के फॉर्मेट में आता है, और ये आपका थ्री मैप चार्ट होता है, ये भी आपके इस तरह होता है, सबसे हाईएस्ट बड़ा हो गया उस छोटा उसका सीक्वेंस अरेंज कर देता है, एक प्लॉट का प्लॉटिंग कर देता है कि बड़ा प्लॉट यहाँ पे आ गया, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह से, ठीक है। तो कल की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मैप चार्ट के बारे में, तब तक आप ये दोनों चार्ट को अच्छे तरीके से डिक्लेयर कर लीजिए, साथ में अलग अलग वेबसाइट से डेटा पुल करने की कोशिश करें, राइट सर। तो मैथ चार्ट के बाद फिर हम कैलकुलेशन की तरफ बढ़ेंगे, मंडे से हमारा कैलकुलेशन शुरू होगा, डेटा कैलकुलेशन। तो डेटा कैलकुलेशन